मैं नीरज आप शिक्षा सुधार के साथ और बड़ी खुशखबरी हम आपको दे दे माध्यमिक शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी बढ़ रही है रिक्ति अभी से कुछ क्षण पहले ही शिक्षा विभाग ने दो बड़े लेटर जारी किए और इन लेटरों से प्रतीत हो रहा है कि माध्यमिक में बढ़ेगी रिक्ति पदोन्नति का हवाला देते हुए फिर से चौबीस घंटे के अंदर रिक्ति मांगी गई ऐसे में लेटर में क्या खास है और हिंदी अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान सहित सभी विषयों के लिए कैसे खुशखबरी है ये लेटर इस पर हम आपको लेटर के माध्यम से विश्लेषित करें कहीं ना कहीं शिक्षा सुधार की एक बड़ी पहल कामयाब हुई है हमारी बड़ी मांग थी कि रिक्ति बढ़ाई जाए पर अभी भी एक बड़ी मांग आपके सामने है कि जितने भी नियोजित शिक्षक का है उस अनुपात में रिक्ति बढ़े वर्तमान के लेटर से यह साफ पता चल रहा है कि माध्यमिक की रिक्ति बढ़ेगी दो बड़े लेटर एक शिक्षा विभाग का लेटर और एक जिला के शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी लेटर दो बड़े लेटर और इस बीच अतुल प्रसाद का ट्वीट भी हम आपको दोनों बड़े लेटरों से रूबरू कराएंगे और बड़ी खुशखबरी है माध्यमिक में रिक्ति बढ़ने के 100 प्रतिशत संकेत मिल रहे हैं क्या है लेटर में आपके स्क्रीन पर लेटर है आप देख सकते हैं निदेशक माध्यमिक शिक्षा सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारियों के नाम से ये लेटर है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में अद्यतन उपलब्ध रिक्त पद की सूची विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में ये लेटर है आप समझ सकते हैं कि निदेशालय है के पत्रांक एक हज़ार तेईस दिनांक नौ छः दो हज़ार तेईस एवं दस सौ अड़तीस दिनांक दस छः दो हज़ार तेईस और तेरह नौ दो हज़ार तेईस की तारीख आप देख सकते हैं ऐसे में उपयुक्त विषय के संबंध में क्या कहना है आगे हम विश्लेषित करते हैं लिखा है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के उपलब्ध पद पदोन्नति एवं अन्य के संबंध में विशेष रूप से क्या पंक्तियों में लिखा है उससे आपको रूबरू कराते हैं इस लेटर में बीपीएससी का भी जिक्र है बीपीएससी के नोटिफिकेशन में जिन रिक्तियों को दिया गया है उनको छोड़ कर के क्या लिखा गया आप देख सकते हैं लिखा गया है बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचित पदों को छोड़कर कर कतिपय जिला यथा पश्चिमी चंपारण कटिहार दरभंगा सारण सिवान पूर्वी चंपारण मधुबनी आदि के समीक्षा में पाया गया है कि अधिक रिक्ति का अधियाचन दिया गया है कतिपय जिलों द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक ५० प्रतिशत पदोन्नति हेतु पदों को भी नहीं छोड़ा गया है जिसे उक्त जिलों सहित सभी जिलों को भेजे गए रिक्ति प्रतिवेदन को समीक्षा की आवश्यकता है अतः क्या निर्देश दिए गए उसको देख लीजिए निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र के साथ पत्र एक और पत्र दो में प्रतिवेदित दिनांक चौदह नौ 2023 को संध्या छः बजे तक मतलब कि चौबीस घंटे के भीतर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के मेल आईडी या विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप नंबर पर भेजना सुनिश्चित करें मतलब रिक्तियों की गणना पुनः ठीक तरीके से करके और पदोन्नति के रिक्तियों को छोड़ करके सही रिक्ति को भेजने की बात आप देख सकते हैं साथ ही इस आशय का घोषणा भी किया जा रहा है कि उनके द्वारा भेजा गया रिक्ति प्रतिवेदन का सही सही आकलन कर लिया गया है इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि आधी सीटों को पदोन्नति से भरा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये बात सामने नजर आ रही है कि माध्यमिक के बहुत सारे शिक्षक पदोन्नति करके ऊपर की ओर जाएंगे तो कहीं ना कहीं माध्यमिक में रिक्तियां बढ़ेंगी ऐसे भी इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भी लेटर जारी किया गया आप देख सकते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है आपके स्क्रीन पर इस लेटर में क्या लिखा उससे भी आपको रूबरू कराते हैं पर इससे पहले बड़ी मांग ये है कि इन सभी रिक्तियों को सातवें चरण की बहाली में जोड़ा जाए और साथ में जितने भी नियोजित शिक्षककार हैं उस अनुपात में भी रिक्तियाँ बढ़ें सातवें चरण की बहाली में आगे लेटर में क्या आप देख सकते हैं लेटर में बी का जिक्र है लिखा गया है बी द्वारा आयोजित तो जो टी है उसके संबंध में जिक्र किया गया है माध्यमिक कुछ माध्यमिक शिक्षकों के पद हेतु परीक्षा का आयोजन किया गया है और काउंसलिंग की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है एवं परीक्षा फल विगत कुछ दिनों में आने की संभावना है परीक्षा फल के उपरांत जिला को आवंटित पदों को विद्यालय में उप आवंटित करते हुए आगे आप देख सकते हैं पदोन्नति की चर्चा है और लिखा है कि विषयवार कार्यरत शिक्षकों एवं नामांकित छात्रों से संबंधित विवरण की आवश्यकता है ताकि जिला में आवंटित पदों को विद्यालयवार उप आवंटित किया जा सके अतः उक्त के आलोक में इस पत्र के साथ आप देख सकते हैं सभी जानकारी के संबंध में लिखा गया कुछ संलग्न करते हुए निर्देश दिया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर प्रपत्र के अनुसार प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरित कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए ताकि ससमय पदों को उप आवंटित किया जा सके सभी प्रपत्रों के संबंध में लिखा है कि सभी पत्रों को हार्ड कॉपी में कार्यालय को ससमय उपलब्ध कराएं इसमें किसी भी तरह का विलंब अवांछनीय होगा आप समझ सकते हैं कि बड़ा लेटर है दो बड़े लेटर आपने देखे और कही न कहीं ना कहीं रिक्तियों के संबंध में आकलन आगे आने वाली टी और वर्तमान की टी से संबंधित है ऐसे में अभ्यर्थियों को ये बड़ी मांग करनी चाहिए कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उस अनुपात में लगभग बीस हज़ार रिक्ति बढ़ाए सरकार और साथ में जो ये 24 घंटे 48 घंटे में रिक्ति मांगी जा रही है इसे सातवें चरण में जोड़ा जाए आम अभ्यर्थी सिर्फ तमाशा देख रहे हैं आगे कार्य नहीं कर रहे हैं पर शिक्षा सुधार आपसे निवेदन करेगा कि रिक्ति की मांग की जाए ये रिक्ति आपकी है आपका हक है इन रिक्तियों पर ऐसे में आप आम अभ्यर्थी सोचें अगर रिक्ति बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए ही सही होगा शिक्षा सुधार लगातार प्रयास कर रहा है और आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप भी जागरूक होंगे धन्यवाद वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें